नमस्कार जोहार। टीवी 45 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आज कुछ ऐसा हुआ जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। हम मुद्दे तो उठाएंगे, लेकिन मुद्दे उठाने से पहले एक ऐसी खबर आपको देंगे, अमूमन ऐसा बहुत कम होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सैयद जफर इस्लाम, वो रांची आए हुए थे। उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। मतलब अमूमन पॉलिटिकल जो आरोप है वो तो आप देखते हैं कि हेमंत सोरेन पर आरोप लगते हैं, जेएमएम जो है वो बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगाती है, जेएमएम जो है नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाती है। पॉलिटिकल तो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन आज सैयद जफर इस्लाम ने 4-5 अधिकारियों के नाम गिनाए, झारखंड सरकार के बड़े अधिकारियों के नाम गिनाए। मैं उन अधिकारियों के आपको नाम बता देता हूं। हेमंत सरकार पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम आज जमकर बरसे हैं। जफर इस्लाम ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन जफर इस्लाम ने झारखंड के भ्रष्ट अधिकारियों के नाम गिनाए। कौन कौन? पूजा सिंघल, छवि रंजन, राजीव अरुण इक्का का नाम लिया। इसके अलावा विनय चौबे, मनोज कुमार, मनीष रंजन, अविनाश कुमार, सीनियर अधिकारी, इन सीनियर अधिकारियों के भी नाम लिए। और तमाम जो सीनियर अधिकारियों के नाम के साथ साथ बाकायदा योगेंद्र तिवारी का भी नाम लिया उन्होंने। तो सैयद जफर इस्लाम ने अधिकारियों की बाकायदा लिस्ट बताई कि भाई ये अधिकारी आप देखिए, अविनाश कुमार होम सेक्रेटरी गृह सचिव हैं, बड़े अधिकारी हैं। विनय चौबे सीएम के सचिव हैं, बड़े अधिकारी हैं। इसके अलावा छवि रंजन, पूजा सिंघल दोनों जेल में हैं, राजीव अरुण इक्का बड़े अधिकारी हैं, मनोज कुमार, मनीष रंजन बड़े अधिकारी हैं, सचिव लेवल के अधिकारी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी। तो सारे बड़े बड़े अधिकारियों के नाम लिए गए। और इन बड़े अधिकारियों के नाम लिए किसने? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने। सैयद जफर इस्लाम ने बाकायदा सबका नाम लिया कि भाई ये भ्रष्टाचारी है। तो ये देखिए, अमूमन आपको देखने को नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफन आप देखते हैं कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन निशाना किस पर साधेंगे? हेमंत सोरेन पर निशाना साधेंगे, जेएमएम पर निशाना साधेंगे। दिस इज गुड, होता है, हेल्दी डेमोक्रेसी आपको आरोप प्रत्यारोप करने की इजाजत देता है आपका संविधान, ठीक है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, अमूमन ना के बराबर झारखंड में ऐसा नहीं हुआ। जब हमने देखा कि किसी अधिकारी का नाम, दिल्ली से आए हुए प्रवक्ता, मतलब रांची झारखंड के प्रवक्ता नहीं, दिल्ली से आए हुए प्रवक्ता जो हैं वो नाम ले रहे हैं अधिकारियों के, और वो भी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, गृह सचिव का, सीएम के सचिव का, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी। तो इसको समझने की जरूरत है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि उनके पास कोई पुख्ता प्रमाण है, तो उन प्रमाणों को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अगर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों के नाम ले रहे हैं तो भाई उनको बाकायदा इन नामों को सार्वजनिक करना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है कि सैयद जफर इस्लाम जो हैं वो नाम लेते हैं अधिकारियों के, पूजा सिंघल, छवि रंजन, इसके अलावा शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी का नाम लेते हैं, राजीव अरुण एक्का का नाम लेते हैं, विनय चौबे का नाम लेते हैं, मनोज कुमार का नाम लेते हैं, मनीष रंजन का नाम लेते हैं, अविनाश कुमार पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि भाई इन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कहते हैं कि ये अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं। तो मतलब इनके पास अगर इससे रिलेटेड प्रूफ्स हैं तो इन प्रूफ्स को जाहिर सी बात है कि सार्वजनिक करना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए कि भाई आखिर इतने बड़े लेवल के अधिकारियों पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं तो वो कैसे, आखिर क्यों, क्या प्रूफ है, कोई हार्ड एविडेंस है? अगर वो एविडेंस है तो उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर ये अधिकारी चुप क्यों, इनको तो मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। मैं एक अदना सा छोटा सा एंकर हूं, कोई मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगा तो भाई मैं तो खखुआ का मुंह नोच लूंगा, सिंपल सी बात है।
चरित्र की ईमानदारी यही होती है। तो भाई इतने बड़े अधिकारियों पर अगर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए सहयोगी धनंजय जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, सहयोगी धनंजय का मैं रुख करता हूं। धनंजय, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पिछले चार दिनों से कवर कर रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने करीब से देखा, राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप, जेएमएम पर आरोप प्रत्यारोप तो समझ में आता है, पर आज अधिकारियों पर निशाना, अधिकारियों को बताना है कि ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट है, चलिए पूजा सिंघल का समझ में आता है, छवि रंजन का समझ में आता है। एक हद तक आरोप अगर लगाते हैं तो राजीव अरुण एक्का पर भी आरोप लगे थे कि भाई उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसकी जांच हो रही है, तो इन तीन अधिकारियों का तो, लेकिन अविनाश कुमार, विनय चौबे, मतलब अभी तक तो इनके ऊपर ऐसे कोई आरोप सार्वजनिक मंच से किसी ने नहीं लगाए। धनंजय मंडल, इस पर ज्यादा जानकारी, इसके मायनों को समझाइए थोड़ा। वैसे देखिए बीजेपी हमेशा हेमंत सोरेन को कोसने के पीछे नहीं रहती, जब से ईडी का समन जारी हुआ है तब तो उनको घेरने का शुरू किया है। जफर इस्लाम दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तमाम एविडेंस के साथ उन्होंने पुख्ता दिखाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। आज दिल्ली से रांची आए और हेमंत सोरेन पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। वो पहले स्टार्ट करते हैं महिला आरक्षण बिल को लेके, सब सही लगता है कि आरक्षण बिल पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि महिला मोदी के 9.5 साल का जो कार्यकाल है सबसे अच्छा कार्यकाल है, 2014 से पहले हजारों करोड़ रुपया कांग्रेस ने लूटा था, एसपी आरजेडी तमाम जो घटक दल थे महिला आरक्षण को बॉयकट कर दिया था जिस कारण वो पास नहीं करा पाई और बीजेपी मोदी की सरकार में सभी घटक जितने बीजेपी के घटक दल है साथ साथ जो विपक्ष पार्टी सभी ने मत किया, महिला आरक्षण बिल पास हो गया। खेला कब शुरू होता है, थोड़ी देर के बाद जब हेमंत सोरेन के बारे में जब आता है उसके बाद उन्होंने एक एक के नाम लेना शुरू किया। उन्हें कहा कि मेरे फोन में बाकायदा एविडेंस है, जमीन घोटाला जो किया है, जो वीडियो है मेरे पास, वीडियो है। इस वीडियो को कुछ दिन पहले भी एक बीजेपी के प्रवक्ता भाजपा या ऑफिस में दिखा भी चुके हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े नामों के साथ और जो साथ ही साथ आलमगीर आलम का नाम भी लिया मंत्री का, रूरल एंड डेवलपमेंट जो है उसके उस विभाग में भी कई हजार करोड़ घोटाला हुआ है उसके बारे में नाम लिया उन्होंने। कई अधिकारी जेल में जा चुके हैं, छवि रंजन जेल में है, पूजा सिंघल जेल में है। अब बाकी जो अभी आईएएस ऑफिसर हेमंत सोरेन के मंत्रालय में कार्यरत है उन लोगों का नाम लिया है, एक एक का जो नाम लिया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का सबसे बड़ा खेल करते हैं राजीव अरुण एक्का, ये ट्रांसफर पोस्टिंग का माहिर है और इनका जो पैसा मिलता है सीधे हेमंत सोरेन को दिया जाता है और हेमंत सोरेन खड़गे यानी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ा स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल हमने सुनता था कि कहीं आतंकवादी यूज करते थे स्लीपर, हर स्टेट में स्लीपर सेल लगाते थे, ब्लास्ट के कामों में स्लीपर सेल का नाम यूज किया जाता था, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता जाफर इस्लाम कहते हैं कि हेमंत सोरेन स्लीपर सेल है। एक सवाल है धनंजय, मेरा एक सवाल है, अधिकारियों का नाम लिया गया बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है बीजेपी है पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी है नाम ले सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये वही अधिकारी हैं जो रघुवर दास सरकार में भी थे और वही अधिकारी हैं जो जेएमएम कांग्रेस की सरकार में, अधिकारी वही है कमोबेश। पूजा सिंघल, हाथी जब उड़ा था तो उस समय भी हाथी उड़ाने वाले में पीछे से फूंक मारने वाली यही थी। विनय चौबे पिछली सरकार में भी ऐसे ही पावरफुल थे, इस बार में भी वही पावरफुल है। राजीव अरुण एक्का पिछली सरकार में भी थे, इस सरकार में भी थे। कुछ अधिकारी हैं जिनको दिल्ली भेज दिया गया, बाकी तो अमूल चूल अधिकारी वही है। तो मतलब वही अधिकारी पिछली बार, ओके वेरी गुड, आई लव यू आई लाइक यू, और वही अधिकारी अभी थू 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 आई डोंट लाइक, मतलब ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी मेरे समझ में नहीं आई, पता नहीं बाकी पत्रकार समझे नहीं समझे। तो इस तरीके के सवाल क्या सवर ऐसे ही है जफर इस्लाम से किए नहीं गए? देखिए बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता हमेशा बोलते आ रहे हैं कि अगर ऐसा घोटाला हुआ तो आपके पास सीआईडी है, एसीबी है, जांच करवा लीजिए ना। रघुवर दास की सरकार में अधिकारी थे या उसके हाथी उड़ने के बाद था या तमाम जो घोटाला का जो नाम लिया जाता है जेएमएम की सरकार या कांग्रेस के विधायक या मंत्री के द्वारा, तो आपके पास तो हथियार है, पुलिस है, प्रशासन है, सब जांच करवा लीजिए। अगर कुछ ऐसा आता है तो आप जेल के अंदर में डाल दीजिए। लेकिन जाफर इस्लाम का कहना है ईडी जांच कर रही है, ईडी के पास पुख्ता सबूत है, नाम बदल बदल के जमीन घोटाला किया है और उसी के डर से वो ईडी के कार्यालय नहीं जा रहे हैं। वो जाएंगे तो उनका सीध एक ही ठिकाना है, जेल के हवाले।
इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, बार बार कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करे जहां से उसको खारिज कर दिया जा रहा चिकाग। अब हाई कोर्ट में मामला है, देखने वाली बात क्या है। लेकिन तीन से चार पांच दिन पहले एक आखिरी सवाल धनंजय, एक आखिरी सवाल, तीन चार दिन पांच दिन पहले सैयद जफर इस्लाम ने दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कमोबेश यही मुद्दे बताए, आज रांची में भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो आए थे। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी का कोई मास्टर प्लान, मतलब रांची झारखंड में भी अच्छे अच्छे प्रवक्ता है, प्रवक्ताओं की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे नेता है, जफर इस्लाम को बाकायदा बिजनेस क्लास का टिकट देकर के अगर बीजेपी ने इतना खर्चा किया है, रांची बुलाया, तो बीजेपी का प्लान ऑफ एक्शन जफर इस्लाम को आगे लाने का मतलब कुछ समझ में आता है क्या? देखिए, मैंने एक क्वेश्चन किया उनसे, पूछा कि जेएमएम सरकार हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाती है कि जितने भी बीजेपी विधायक नेता हैं या सांसद हैं दिल्ली से हेमंत सोरेन को घेरने के लिए रांची आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस का भी तो नेता आते हैं, कुछ दिन पहले रागिनी नायक आए प्रवक्ता दिल्ली से, कई मंत्री प्रवक्ता भी आते रहे, जेएमएम के नेता दिल्ली पहुंच जाते हैं हेमंत सोरेन पैसा पहुंचाने के लिए। तो देखिए कौन कहां जा रहा है इस पे कुछ नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ इस सवाल का जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उसके गुम्मत है, उसके हेमंत सोरेन के दम है, तो ईडी कार्यालय जाइए और जो क्वेश्चन से पुटअप किया गया जो सवाल जवाब देना है उसका जवाब दीजिए, तब पता चल जाएगा कि कौन दूध है कौन पानी में है, और नहीं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत 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 शुक्रिया हेमंत, देखेंगे आने वाले समय में धनंजय, हम देखेंगे कि भाई हेमंत सोरेन में कितना दम है, अगर उन्होंने चैलेंज किया सैयद जफर इस्लाम ने तो देखा जाएगा। ये बीजेपी और जेएमएम के बीच की बात है, हम तो झारखंड वाले हैं, झारखंड की मिट्टी खाते हैं, झारखंड की मिट्टी ही सूंघते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया धनंजय मंडल आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। चूंकि झारखंड की राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, इसीलिए हमने सोचा कि झारखंड के लोगों का इस पर ध्यान जाना चाहिए, तो हमने ये खबर दिखाई।